नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। हिमाचल प्रदेश ने देश में कोविड 19 टीकाकरण को बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। राज्य में 100% व्यस्क आबादी को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को ये दावा किया। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए होगी, लेकिन यह भारत और रूस की द्विपक्षीय रिश्तों को काफी प्रगाढ़ कर जाएगी। पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कुछ देर अकेले में भी बातचीत होगी और इन दोनों की अगुवाई में भारत रूस 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होगा। सम्मेलन के बाद दोनों देश के बीच रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, अंतरिक्ष, कारोबार जैसे 5 अहम क्षेत्रों में 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख ऑनलाइन और ऑफलाइन 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक जो भी लोग अन्य देश से आ रहे हैं सबका टेस्ट किया जा रहा है। बाहर से आए 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा उनके परिवार के 6 लोग भी पॉजिटिव मिले हैं। कुल 23 लोग ऐसे हैं जिनका दोबारा टेस्ट किया जा रहा है। जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद 12 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट में एक शख्स को ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर है। आज अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसलमेर में अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के परेड की सलामी ली। बीएसएफ आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रही थी। इस मौके पर अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को सम्मानित भी किया। तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमा की गई चार्जशीट में जांच एजेंसी ने बताया कि सुकेश ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को 52 लाख का घोड़ा और 9 लाख की फारसी बिल्ली तोहफे में दी थी। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 226 सिक्योरिटी खामियों में पाए जाने के बाद अलग अलग ब्रांडों के लाखों वाईफाई राउटर खतरे में पड़ सकते हैं। ये जानकारी सिक्योरिटी रिसर्च की एक टीम द्वारा आईओटी इंस्पेक्टर और चिप मैगजीन ने दी है। रिसर्च की गई नई सुरक्षा कमजोरियां नेटगियर, एसोस सिनोलॉजी, डी लिंक, एवीएम, टीपी लिंक और एडीमैक्स समेत बड़े ब्रांडों के कई वाईफाई राउटर को प्रभावित करती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। इधर लोगों की भारी लापरवाही जारी है। ना तो मास्क पहन रहे और ना ही शारीरिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, बाजारों में भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ रही है कि संक्रमण फैला तो उसे रोक पाना असंभव होगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ऐसा देखा जा चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वायरस को रोकना है तो लोगों को काफी ज्यादा सावधान और जागरूक होने की जरूरत है। देश में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच वैक्सीनेशन के मामले में भारत को आज बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक देश में कोविड 19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ को पार कर गया है। वहीं आज कोविड के 93 लाख से ज्यादा डोज लगाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि हर घर दस्तक अभियान के तहत भारत ने आज 1 करोड़ कोविड 19 टीकाकरण का आंकड़ा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि विवाद हल करने के लिए अदालतों में जाने के विकल्प का इस्तेमाल मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्थाओं को टटोलने के बाद ही अंतिम उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार के केंद्रीय खनन मंत्रालय के बीच झारखंड में 6 नए कोल ब्लॉक के खनन कार्य शुरू कराने पर सहमति बन गई है। शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के शीर्ष अधिकारियों, केंद्रीय खनन मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में झारखंड स्थित 29 कोल ब्लॉक को चालू करने पर चर्चा हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक कथित ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसमें कहा गया है कि 6 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक झारखंड राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, धर्मस्थल और पार्क सब बंद कर दिए जाएंगे। सीएमओ ने इस ट्वीट को फेक करार दिया है। सीएमओ ने कहा है कि झारखंड सरकार की तरफ से कोरोना लॉकडाउन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह की पहली बार जयपुर आगमन के लिए गुलाबी नगरी स्वागत सत्कार के लिए तैयार है। 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के तहत शाह जैसलमेर एयरपोर्ट से रविवार दोपहर 1 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इस पूर्व एयरपोर्ट के भीतर शाह की सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षा एजेंसी CISF के अधीन था। करीब 100 के आसपास जवान शाह की सुरक्षा में मुस्तैदी से उनके हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारत में अब 50% योग्य आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे गर्व का क्षण बताया है।
भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनन ने कहा है कि भारत को अब तक 30 राफेल विमान सौंपे जा चुके हैं, जबकि बाकी बचे 6 विमान अगले साल अप्रैल तक पहुंचा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राफेल की डिलीवरी समय से करने में कोरोना बाधा नहीं बन पाया। इमैनुअल लेनन ने कहा कि राफेल की डिलीवरी अनुबंध के अनुसार तय समय पर की जाएगी। झारखंड में जवा तूफान का असर देखा जा रहा है। शनिवार को राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश हुई। रविवार को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी पूर्वी इलाके में तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इन इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। वहीं राज्य के दूसरे हिस्से में भी आसमान बादल छाए रह सकते और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 का सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सभी दलों के नेताओं का लगातार वहां पहुंचना जारी है। दिल्ली के सीएम और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव को लेकर रहस्यमय टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सारी दैवीय ताकतें एकजुट हो जा रही है, कुछ अच्छा होगा। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं। संभव है अगले कुछ दिनों में इसके मामले की संख्या में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वायरस का यह बदला हुआ स्वरूप ज्यादा से ज्यादा लोगों को न सिर्फ संक्रमित करता है बल्कि उन पर अपना प्रभाव भी डालता है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वायरस के बदले हुए स्वरूप की आक्रामकता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आईसीएमआर के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर पांडा का कहना है कि जो वायरस ज्यादा से ज्यादा फैलता है वो घातक नहीं हो सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य ने केंद्र से कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के दायरे में केवल 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को रखा जाना चाहिए। इससे आगे के क्षेत्र को राज्य द्वारा अपने स्तर पर विकसित किया जाएगा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर अनिश्चितता के बीच इस सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। इसके अलावा सप्ताह के दौरान रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक भी है। इस मुख्य रूप से शेयर बाजार की दिशा को तय करेगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। विश्लेषकों ने कहा है कि यह सप्ताह काफी घटनाक्रम वाला है। मौद्रिक समीक्षा के अलावा सप्ताह के दौरान कई वृहद आर्थिक आंकड़े भी आने हैं। असम सरकार नागरिक पुरस्कार सम्मानों के पहले साल में उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा और ओलंपिक लवनीना बोरगोहेन समेत अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तित्वों को प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। भारतीय रेलवे ने स्काउट और गाइड कोटा के तहत लेवल 2 और लेवल 1 के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 4 दिसंबर के रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 12 है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2021 है। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के शेयरों में दिन ब दिन अपर सर्किट लग रहा है। शुक्रवार के इंट्राडे ट्रेड में बीएसई पर टीटीएमएल के शेयर 5% बढ़कर 129.45 रुपए प्रति शेयर के नए 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। टीटीएमएल के शेयरों में गुरुवार को भी 5% की ऊपरी सर्किट को छुआ था और बीएसई पर 123.30 रुपए प्रति शेयर के 52 सप्ताह के उच्च मूल्य पर कारोबार किया है। पिछले साल दिसंबर में बीएसई पर शेयरों ने 52 सप्ताह के निचले स्तर 6.85 रुपए पर कारोबार किया। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने ओमिक्रॉन और अन्य कारणों को लेकर जनपद में 27 जनवरी तक धारा 144 बढ़ा दी है। अब हर बड़े कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते की कैलकुलेशंस का फॉर्मूला बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार पर कुछ बदलाव किए हैं। मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की गई है। महंगाई के आंकड़े के आधार पर सरकार समय समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन करती है। चुनावी साल में उत्तराखंड के सीमांत जिलों को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट के रूप में झटका लग सकता है। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, लेकिन अब तक सीमांत जिलों के बजट नहीं मिल पाए हैं। हालांकि बजट आवंटित किए बगैर ही शासन ने संबंधित जिलों को पत्र जारी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार जो पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो तटरक्षक भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया 6 दिसंबर को खुलेगी और 17 दिसंबर 2021 को बंद हो जाएगी। इस भर्ती अभियान सामान्य ड्यूटी, CPL और तकनीकी पाठ्यक्रम में 50 पदों को भरेगा। पटना सदर अंचल को 3 भागों में बांटने की तैयारी चल रही है। पटना सदर अंचल को 3 भाग, पटना सदर, ग्रामीण अंचल और सिटी अंचल में बांटा जाएगा। इसकी सीमाएं तय कर ली गई हैं। इसमें पटना सदर का क्षेत्र दानापुर से सटे वार्ड 1 से लेकर वार्ड 16 तक संभावित है। वहीं पटना सिटी प्रखंड से अंचल कार्यालय के अंतर्गत मुस्लामपुर और हाट से लेकर के पटना सिटी तक के इलाके शामिल होंगे। इसी तरह पटना ग्रामीण प्रखंड से अंचल कार्यालय के तहत 19 मौजा, 6 पंचायत और 3 हल्का प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें गोरखपुर का खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर की प्रयोगशाला शामिल है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट सभी भारतीयों तक पहुंचे और उन्हें सशक्त बनाया जाए। चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का विजन यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट सभी भारतीयों तक पहुंचे और उन्हें सशक्त बनाया जाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है महेश दास, राजीव कुमार, आस्था मोटिवेशन, नुनु कुमार, राघव नाथ प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद, मीता कुमारी, मोहम्मद महमूद, अनवर हुसैन, काशिफ रजा, अनवर खान और छोटू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे थे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल इस प्रकार है, आपके अनुसार बॉलीवुड में आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।